हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, हम आपके आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, सभी ईयर्स के आपका धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है बीए फर्स्ट ईयर पे पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन का चैप्टर नंबर फोर, और आज हम इसको पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि चैप्टर नंबर फोर में क्या है, कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है संप्रभुता, अर्थ, प्रकार और विशेषता। क्या आखिर संप्रभुता क्या होती है, प्रभुसत्ता क्या होती है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या विशेषता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे ये किसी राज्य पर अप्लाई होता है, तो इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि संप्रभुता क्या है आखिर। तो देखो, कोई भी राज्य है वो तब तक संप्रभु नहीं माना जाएगा या तब तक उसको एक राज्य की कैटेगरी नहीं दी जाएगी जब तक उस पर कोई प्रभुसत्ता काम ना कर रही हो, कोई प्रभुसत्ता उस पर राज्य ना कर रही हो। यानी कि प्रभुसत्ता कह सकते हैं एक ऐसा संस्था या एक ऐसी चीज जिसका आदेश वहां पर रहने वाले लोगों के लिए ऐसा आदेश हो जो कि अनिवार्य हो, जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसको उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मानना ही होगा। ऐसे पावर, ऐसी सत्ता को हम कहते हैं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता पर अपने विचार रखते हुए, संप्रभुता पर अपना विचार रखते हुए कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संप्रभुता क्या है, इसका अर्थ, प्रकार और विशेषता को विस्तार में समझाइए, ये आपसे बेसिकली 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड में कभी कभी बोल देगा लिखने के लिए, कभी 500 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होगा। तो कैसे आपको करना है, सबसे पहले पूछ लिया तो जिस तरह से हमने आपको समझाया कि संप्रभुता क्या है, आपको इस तरह से संप्रभुता क्या है इस तरह अपना बात रखना है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखनी है कि संप्रभुता ये है ऐसा। एंड इसके बाद आपको कम से कम दो विद्वानों का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कम से कम आपको दो विद्वानों का स्टेटमेंट देना होगा। हमने तीन विद्वानों का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उनको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि विद्वानों का स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है, ये तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये जीन बोधा का स्टेटमेंट संप्रभुता के बारे में है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित व सीमित नहीं किया जा सकता है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं, संप्रभुता के बारे में बात कर रहे हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य के द्वारा राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति यानी कि पूरे राज्य की वो सबसे पावरफुल शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित व सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि संप्रभुता एक ऐसा पावर, एक ऐसा कानून है जिसको हम किसी भी रूल के द्वारा उसको बांध नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक राज्य में रह रहे हैं जिस राज्य का एक राजा है, तो उसकी आज्ञा, उसका आदेश सर्वोपरि होगा। उसने कह दिया सो कह दिया, यानी कि जिस भी चीज के बारे में उसने बात किया वही क्या है, रूल है, जिसे कोई कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता कि तुम्हारा इतना ही आदेश, आप राजा को चेंज नहीं कर, मतलब राजा के आदेश को गलत साबित नहीं कर सकते हैं या राजा ने कोई आदेश दे दिया आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कानून के द्वारा वो बाधित और सीमित नहीं होता है, ठीक है, इसका मानना है जीन बोधा महोदय का। इसी पर अपना विचार रखते हुए ब्लैक स्टोन महोदय कहते हैं, इन्होंने संप्रभुता को सर्वोच्च, बेरोक टोक और अनियंत्रित सत्ता माना। इन्होंने कहा है संप्रभुता एक ऐसी सत्ता है जो क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ी, बेरोक टोक यानी कि जिस पर किसी का रोक टोक नहीं चल सकता, एंड अनियंत्रित सत्ता यानी कि किसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इस तरह से ब्लैक स्टोन महोदय ने संप्रभुता के बारे में अपना विचार रखता है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए हॉलैंड महोदय कहते हैं कि राज्य का वह अंग, यानी कि किसी भी राज्य है, कोई भी राज्य है, चाहे आप इंडिया के राज्य के बारे में बात कर लीजिए, विदेशों के बारे में बात कर लीजिए, पुराने जमाने के राज्यों के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी राज्य है तो राज्य का वो पार्ट, वो अंग जिसे प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं या प्रभुत्व संपन्न जिसको मानते हैं, प्रभुसत्ता जिसकी मानते हैं, वो क्या है, सर्वशक्तिमान होता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं सभी कानूनों का स्रोत है, यानी कि जितने भी कानून होंगे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसका स्रोत कौन है, राजा है, राजा है, राजा ने जो बोला, जो उसने फॉलो करवाया वही क्या है, कानून है। तो सभी कानूनों का वो क्या है, स्रोत है, इसीलिए उसके जो कार्य होंगे वे गैर कानूनी नहीं हो सकते। यानी कि एक राजा ने आदेश दे दिया तो वो गैर कानूनी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि राजा ने ही वो कानून बनाया हुआ है, एज इट इज संविधान में कोई आदेश आया हुआ है तो वो संविधान पर आप उसके लिए थोप नहीं सकते कोई भी चीज, संविधान का जो आदेश है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से इन सभी विद्वानों ने ये बात बताने की कोशिश किया है कि संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है जिसका आदेश सर्वोपरि है, एक राज्य में रहने वाले लोगों को उसके संप्रभुता में जितने भी चीजें आती हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा, उन सभी को का पालन करना ही पड़ेगा। अब प्रभुसत्ता के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कितने टाइप्स के प्रभुसत्ता होते हैं। तो बेसिकली प्रभुसत्ता को हम देखते हैं, अभी इस टाइम की बात कर लीजिए, पुराने समय की बात कर लीजिए, दो टाइप्स से प्रभुसत्ता में देखने को मिलता है। एंड इसको हम समझाएंगे आपको, समझिए आगे देखिए। पहला इसमें आता है आपका आंतरिक प्रभुसत्ता,
आंतरिक प्रभुसत्ता क्या होता है समझो इसे। आंतरिक प्रभुसत्ता होता है कि आप एक राज्य हैं, एक राज्य की अपनी कुछ बाउंड्रीज होती है, फिजिकल बाउंड्रीज ना, कि एक राज्य है फिर वहां कहीं से दूसरा राज्य स्टार्ट होगा। तो एक राज्य की जो फिजिकल बाउंड्री होती है उस राज्य के अंतर्गत पाई जाने वाली वस्तुएं, उसके अंतर्गत होने वाले लोग, प्रजा, इन सभी पर प्रभुसत्ता का क्या होता है, अधिकार होता है। उसके आदेशों को पालन करना, उसके आदेशों को फॉलो करना, उसके अंडर रहने का पूरा पूरा क्या है, राज्य सत्ता के पास अधिकार होता है। यानी कि उस पर इनके आदेश क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। यानी कि एक राज्य के अंतर्गत जो भी लोग रह रहे हैं उन पर राज्य के जो भी कानून है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो कराए जाएंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक फॉलो करना पड़ेगा जब तक राज्य चाहेगा। यानी कि एक राज्य अगर चाहे तो किसी को छूट भी दे सकता है, मतलब राज्य की अपनी एक मर्जी होगी, उसका आदेश होगा। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, प्रभुसत्ता। एंड अगर इसके बारे में बात करें कि प्रभुसत्ता को कौन कौन से पॉइंट्स रख सकते हैं या किसके माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रभुसत्ता क्या है, तो सबसे पहली चीज बात कर सकते हैं प्रभुसत्ता में या इसके बारे में कि एक राज्य को ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि उसको अपने राज्य को चलाने के लिए कौन सी शासन प्रणाली का उपयोग करना है, किस टाइप की शासन प्रणाली होनी चाहिए वो राज्य तय करेगा। दूसरी चीज कि एक राज्य को अधिकार होता है कि वो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कौन सी आर्थिक, कौन सी सामाजिक नीतियों का निर्माण करेगा, कौन किस तरह से उसको अपने राज्य को, समाज को या अपने राज्य की आर्थिक स्थितियों को रखना है वो उस राज्य का निर्णय होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरी चीज कि एक राज्य का अधिकार होता है कि वो अपने समाज में पाए जाने वाले लोग, अपने समाज के समुदायों को, समितियों को, लोगों को, उनके बीच के आपसी विवाद को किस ढंग से पूरा करेगा, किस ढंग से उसको निपटाएगा, किस ढंग से उस विवाद को खत्म करेगा। ये पूरा पूरा अधिकार किसके पास होता है, राज्य के पास होता है। अधिकार और स्वतंत्रता, यानी कि एक राज्य के पास पूरा यह अधिकार होता है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों को कौन से अधिकार दे रहा है, किस टाइप की स्वतंत्रता दे रहा है, कैसे क्या चीजें कर रहा है, यह सारा कुछ अधिकार क्या होगा, जो है राज्य के पास होगा। तो इसको कहते हैं आंतरिक प्रभुसत्ता, यानी कि वो चीजें जो आपके राज्य की बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, जो रूल्स, रेगुलेशन, जो भी चीजें हैं, वो कहलाएगा आपका आंतरिक प्रभुसत्ता। ओके, मतलब शांति को बनाए रखने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए जो भी चीजें करना है, ये सारा कुछ राज्य अपने राज्य के अंडर जो भी करेगा वो कहलाएगा आपका आंतरिक प्रभुसत्ता। एंड दूसरा बात कर लेते हैं इसमें बाह्य प्रभुसत्ता की, कि बाह्य प्रभुसत्ता क्या होता है। तो देखो, एक राज्य जो है उसके अपने सीमाएं हैं, उस सीमा के अंदर वो जिस तरह के रूल्स चाहे, हमने बताया आपको, वो चीजें वो कर सकता है। लेकिन वो अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य के को किस तरह से रहना है, किस तरह से मतलब जो भी चीजें हैं उसमें दूसरा ये राज्य क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन उस राज्य से कुछ ना कुछ हमारे संबंध बन सकते हैं, किसी भी माध्यम से वो संबंध बने, तो वो शक्ति, वो सत्ता जो हम कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के साथ अटैच हो सकते हैं, वो कहलाता है आपका बाह्य प्रभुसत्ता। इसके अंतर्गत जो भी चीजें होती है उसमें पॉइंट रख सकते हैं। पहला पॉइंट तो यह रह सकते हैं कि कोई भी दूसरा राज्य अपनी शासन प्रणाली को दूसरे राज्य पर थोप नहीं सकता है। यह सबसे पहला नियम है, यह बाह्य सत्ता का या बाह्य संप्रभुता का सबसे पहला नियम है, सबसे पहला रूल है या सबसे पहला पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी राज्य अपनी शासन प्रणाली को दूसरे पर जबरदस्ती थोप नहीं सकता है। ओके, सेकंड चीज है कि एक राज्य चाहे तो वो दूसरे राज्य के साथ सैनिक संधियां या आर्थिक समझौते कर सकता है। होता है ना, हमारा इंडिया कई बार जो है आसपास के जो भी राज्य हैं उनके साथ क्या कर सकता है, करता है, सैनिक प्रशिक्षण होते हैं या एक दूसरे के साथ जो है टेस्ट होता है, एक दूसरे के साथ मिलिट्री वार्स भी होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेशंस में जाते हैं, आपकी वायु सेना हो गई, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, ये सभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन करते रहते हैं एक दूसरे राज्य से, या किसी को जरूरत पड़ा तो सैनिक संधियां करते हैं। आर्थिक समझौते कर सकता है एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, कि मतलब अभी देखा होगा आपने जापान के जब प्रेसिडेंट आए हुए थे इंडिया पर, तो बहुत सारे समझौते हुए हमारे प्रेसिडेंट कहीं पर जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ क्या कितना पैसा किसी को उधार देना है, किसी से उधार लेना है, तो ये सारा कुछ क्या होता है, एक राज्य के अंतर्गत वो सारी चीजें लिखी हुई होती है, मतलब कि वो उनके बीच का एक समझौता होता है। तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अगर चाहे दोनों में समझौता है तो वो सैनिक संधियां हो गया, आर्थिक समझौते हो गए, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवाद, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कुछ उसके मनमुटाव हो सकते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको एक दोनों चाहे तो खुद सॉल्व कर सकते हैं या दूसरे जो राज्य हैं उनका जो है सहारा ले सकते हैं, उनमें जो है क्या कह सकते हैं, पंचों का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर वो बात ज्यादा बढ़ जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका मामला लाया जा सकता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जोड़ना या तोड़ने का अधिकार एक राज्य के पास होता है। एक राज्य के पास अपना अधिकार है कि वो किसी दूसरे राज्य के साथ अपना संबंध रखे या ना रखे।
अगर दूसरे राज्य से उसका संबंध अच्छा बन रहा है, उसको आर्थिक सामाजिक समझौते वो करना चाहता है, कुछ राजनीतिक समझौते करना चाहता है, तो वो उस राज्य कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो संबंध जो भी है तोड़ सकता है, अपने जो भी एम्बेसडर है, जो राजदूत है, उनको चाहे, क्योंकि हर देश का आप देखोगे जितने भी देशों के बीच समझौता हुआ है, एक देश के राजदूत दूसरे राज्य में रहते हैं ताकि वहाँ के लोगों के बारे में, अगर इनके कंट्री से कोई देश जा रहा है, जैसे इंडिया का कोई राजदूत जो है वो आपको ब्रिटेन में भी मिल जाएगा, इंडिया का राजदूत आपको यूएस में मिल जाएगा, जापान में, चाइना में, इंडिया का राजदूत आपको बांग्लादेश में मिल जाएगा, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया का राजदूत वहां पर आपको मिल जाएगा। किस लिए? कि अगर कोई इंडिया से व्यक्ति जा रहा है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंडियन एम्बेसी जो होती है वो देखती है उसकी, में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसकी हेल्प करती है, यानी कि एक तरह से समझौते को कायम रखने के लिए एम्बेसी चलाई जाती है। तो किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखना है नहीं रखना है ये राज्य की अपनी निर्णय है, वो राज्य ले सकता है या एक दूसरे के साथ संबंध रख सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो ये चीज हो गया आपका बाह्य संप्रभुता, इस तरह से दूसरे राज्यों पर हमारा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। अब अगर बात करते हैं कि प्रभु सत्ता की विशेषताएं क्या है, कि प्रभु सत्ता जो है इसकी विशेषता क्या है, तो देखो प्रभु सत्ता की पहली विशेषता क्या है, आपका अस्थायित्व। प्रभु सत्ता की पहली विशेषता क्या है, अस्थायित्व है, कि प्रभु सत्ता जो है वो अस्थायित्व होता है, राज्य अस्थायित्व होता है, उसमें राजनीति आती है जाती है, लोग राज्य करने वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन जो प्रभु सत्ता है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो संविधान है, वो क्या होता है, अस्थायित्व होता है, राज्य अपनी जगह पर ही रहता है लेकिन उसमें राज्य करने वाले आते हैं और जाते हैं। दूसरा है अविभाज्यता, यानी कि प्रभु सत्ता की विभाज्यता नहीं हो सकती है, जो सुप्रीम पावर है, जैसे एक राजा है, अब एक के जगह पर चार राजा हो गए तो उस राज्य की जो प्रभु सत्ता है वो छिन गई, वो टूट गई और वो बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। तो राज्य शक्ति का क्या मानते हैं कि वो अविभाज्य होगा, वो किसी एक में ही निहित होता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, ये सर्वव्यापकता होती है, यानी कि एक राज्य का जो रूल्स रेगुलेशंस जो संप्रभुता है वो उस राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों पर होगी, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे लोग हो, चाहे प्रजा हो, चाहे समाज हो, मतलब हर किसी पर वो क्या होगी, सर्वव्यापक होगा वो चीज। एंड नेक्स्ट विशेषता है आपका अदेयता, यानी कि इसको जो है दिया नहीं जा सकता, यानी किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसको दिया मतलब कई लोगों में बांटा नहीं जा सकता, ये अदेयता है। अगला चीज है आपकी इसकी विशेषता, असीम और निरंकुश होता है, यानी कि इस पर कोई सीमा नहीं लगा सकता, संप्रभु जो है एक राजा है उस पर कोई सीमा नहीं लगा सकता, राजा ने जो चाहा वो निरंकुश भी हो सकता है, वो राज्य की भलाई के लिए भी काम कर सकता है, राज्य की बुराई के लिए भी काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं संप्रभुता की विशेषताएं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि संप्रभुता क्या है, इसका अर्थ के बारे में हमने बात किया, इसके टाइप्स के बारे में बात किया, हमने विशेषताओं के बारे में बात किया। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप दूसरे ईयर में, फर्स्ट ईयर के अलावा अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आपके कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, आपके लिए चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप हमें डिलीवर कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करो, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।